गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टेली ERP9 अब टेली प्राइम में कन्वर्ट हो चुका है। उनका नया एप्लीकेशन टेली प्राइम आ चुका है, ठीक है। तो आज से हम टेली प्राइम की न्यू क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं कि न्यू टेली प्राइम को अपन ओपन कर लेंगे पहले, ठीक है। तो अपना जैसे ही न्यू टेली प्राइम ओपन हो रहा है, इसमें आज बढ़ेंगे हम करेंसी, मल्टीपल करेंसी को किस प्रकार से, क्योंकि टेली प्राइम में कुछ फंक्शन है वो चेंज हुए हैं, कुछ फीचर्स हैं वो चेंज हुए, नए फीचर्स आए हैं और पुराने फीचर्स को अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित किया गया है। तो सभी हम देखेंगे धीरे धीरे कौन सा फीचर्स कहाँ पर स्थित है। तो हमारा टेली प्राइम वो ओपन हो जाता है, फिर हम देखेंगे कंपनी की रेट करना भी देख लेंगे। तो अपना ये हो गया, ठीक है, टेलीफ्रेम। अब इसको हम यूज एजुकेशन मोड में कंटिन्यू रखेंगे। एजुकेशन मोड में क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें स्केप बटन दबाते हैं, क्योंकि मेरे पहले से कोई पासवर्ड से रिलेटेड कंपनी ओपन थी तो इसके लिए पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको स्केप करके बाहर आ जाता हूँ इससे, ठीक है। अब मैं न्यू क्रिएट कंपनी बना देता हूँ। तो यहाँ से देखो, पहले तो क्या है कि अलग से दिखाता था, अभी यहाँ पर क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, स्पेसिफाई पाथ यानी कि कहीं और आपकी कंपनी पड़ी है तो वहाँ से आप पाथ देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर ड्राइव से है तो ड्राइव से आप डायरेक्ट वैसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि CE में, पहले तो हमें पाथ देना पड़ता था, तो हम ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी, ठीक है। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके हमारे पास इस प्रकार से जो पुरानी टेली में ERP में आता था ना, वही सिस्टम आता है। क्योंकि यहाँ पर क्या अपना पाथ है कि कौन से पाथ में कंपनी से होगी, तो यहाँ पर देख लो जो जो टेली ERP 9 वाला वो जो डाटा था ना, वहीं पे ये पाथ ले रखा है, ठीक है ना। तो वहीं पे से होगी। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है जैसे कि MS प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर मेलिंग नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा कंपनी का जो भी है, जयपुर, राजस्थान, कोई भी एड्रेस है तो वो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा स्टेट है कंपनी का, वो स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर पिन कोड आ जाएंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर फैक्स आ जाएंगे, यहाँ पर ईमेल आ जाएगी और यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सॉरी वेबसाइट आ जाएगी। मोबाइल नंबर तो ऊपर दे दिया ना, यहाँ पर आ जाएगी वेबसाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना फाइनेंशियर दिखा शो करेगा, कौन सा फाइनेंशियर ले रखा है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 चल रहा है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल बुक्स का भी रख रहे हैं, वो भी यहाँ पर सेम डेट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अपना करेंसी सिंबल आ जाएगा, जिस देश का ले रखा उस देश का करेंसी सिंबल आ जाएगा। तो इंडिया है तो इंडिया का करेंसी सिंबल आ रहा है, ठीक है। उसका फॉर्मेट क्या है, INR इंडियन रुपीज, ठीक है। यहाँ पर ये था आपका सिंबल शो करने के लिए कि आप अमाउंट के साथ सिंबल शो करोगे ना, तो इसको यस कर दो, ठीक है। और अगर सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस रखना चाहते हो तो यस, अन्यथा नो, ठीक है। और यहाँ पर मिलियंस में अमाउंट शो करना था, मिलियंस में अमाउंट को बाकी का डेसिमल संख्या में कितने डेसिमल रखना चाहते हो वो है, तो डेसिमल संख्या 2 को क्या बोलेंगे, पैसे। तो ये चीज हो जाएगी, इसको असेंबली कर देंगे। कंपनी आगे क्या हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। जैसे अपनी कंपनी क्रिएट हो जाती है, अपनी कंपनी क्रिएट होगी। अब देखो पहले टेली में क्या था कि हम कंपनी क्रिएट करने के बाद में अपने सुटेबल आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम फीचर्स को यस करते थे। अभी टेली जब क्रिएट हो जाती है ना कंपनी, तभी ये हमसे फीचर्स का जो लोकेशन है वो मांग लेता है कि हमें कौन कौन से फीचर्स इस कंपनी में आवश्यक हो गए, वो बाय डिफॉल्ट हम यस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं कोई भी फीचर्स यस नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ही इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इसमें GST डिटेल है, ये भी ऐसा, तो ये भी हमने डिटेल डाल दी है, राजस्थान रेगुलर जो भी है, ये अभी GST नहीं पड़ रहे तो इसको छोड़ो। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें आज करेंसी पढ़ेंगे। तो करेंसी में देखो, पहले तो ये देखो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा टेली प्राइम का। तो टेली प्राइम का यहाँ पर कंपनी से संबंधित फीचर्स आएंगे, यहाँ पर डाटा से संबंधित, यहाँ पर कोई एक्सचेंज आ जाएंगे, यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट वगैरह के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर गो टू, आप डायरेक्ट कोई सी भी चीज़ को यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, ठीक है। क्रिएट में मैं इस प्रकार से अकाउंटिंग मास्टर वगैरह शो हो रहा है, इन्वेंट्री मास्टर और स्टेटरी डिटेल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करना, हमें हमें यहाँ पर करेंसी
मल्टीपल करेंसी को ऑन करना। तो करेंसी को ऑन करने के लिए यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे, 100 मोर पर क्लिक करेंगे। 100 मोर पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास आपका 100 इनएक्टिव, यानी कि जो इनएक्टिव चीज़ें हैं वो भी यहाँ से शो कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देखो करेंसी दिख रहा है, करेंसी पर क्लिक करेंगे, करेंसी से क्लिक करके क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंसी सिंबल क्या रखना चाहते हो आप? तो मैं डॉलर रखना चाहता हूँ, डॉलर आ जाएगा, रखना चाहता हूँ डॉलर आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है, फॉर्मल नेम क्या है इनका, नेम क्या है, फॉर्मेट नेम है डॉलर, डॉलर रख दिया। ठीक है, 2 पॉइंट इस प्रकार को बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने डॉलर को क्रिएट कर लिया है। अब क्या है कि डॉलर की वर्तमान जो एक्सचेंज रेट है वो हम डाल देंगे यहाँ पर। एक्सचेंज रेट जैसे डॉलर की एक्सचेंज रेट कितनी है, स्टैंडर्ड रेट डाल देंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड रेट मान लो कि 60 रुपये पर डॉलर, तो 60 रुपये डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने रेट ऑफ एक्सचेंज भी डाल दिए। ठीक है, और हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में हमें फॉर्मल कंपनी में इंट्री डालनी है, जैसे कि हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या आएगा, परचेज वाउचर जो कि अपना F10 है। ठीक है, F10 से हम, सॉरी F9 से हम परचेज वाउचर में आएंगे। अपने परचेज वाउचर का की क्या है, F9। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर इनवॉइस नंबर वगैरह वो डेट वगैरह वो डाल देंगे। ठीक है, कब इनवॉइस कटा था। ठीक है, यहाँ पर करेंगे क्रिएट, कौन सी पार्टी से परचेज करें उस पार्टी का नाम, जैसे कि कोई AS अमेरिका नाम से कोई कंपनी है। ठीक है, तो इसका हम ले लेंगे, ये कि अपना सेंडरी क्रेडिटर्स लेनदार होगा। ठीक है, बिल मेंटेन बिल बाय डिटेल को यस रखेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर AS लिमिटेड है, उसका क्या आ जाएगा, सॉरी AS अमेरिका का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर कौन सी कंट्री है, उसकी कंट्री आ जाएगी। तो यूएसए ले रहे हैं हम, यूएसए ले रहे हैं तो यूएसए ले लेंगे, यूएनआई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है आप उसमें स्टेट लेना चाहते हो तो वो ले लो, मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पर लेना चाहता हूँ मैं न्यूयॉर्क। क्या लेना चाहते हो, न्यूयॉर्क अमेरिका में, न्यूयॉर्क लेना चाहते हो। ठीक है, पिन कोड डालो, पिन कोड डाल दो। ठीक है, यहाँ पर नो, यहाँ पर चलने दो आगे और इसको एक्सेप्ट करा दो। ठीक है, ये लेजर बन गई है। ठीक है, ये डिटेल आ चुकी है पार्टी की। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, परचेज लेजर। परचेज लेजर में क्या लिखेंगे आप, इम्पोर्ट करा रहे हैं, इम्पोर्ट बाहर से आ रहा सामान का इम्पोर्ट लेंगे, अंडर किस में डालेंगे, परचेज अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट, यहाँ पर अप्लीकेबल, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है इस करने की, गुड्स। ठीक है, GST लगाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना, हमें आइटम आइटम देना, कौन कौन से आइटम है, जैसे कि हम लेना चाहते हैं हम आईफोन की इम्पोर्टिंग कर रहे हैं आईफोन। ठीक है, कितना लेके आ रहे हैं वो हम डाल देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अप्लीकेशन अप्लीकेबल है GST, तो हम GST बार अमेरिका से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे GST नहीं लगेगा, तो नो रखेंगे GST को और यस करते हुए आगे चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसमें यूनिट है वो क्रिएट करनी होगी, क्योंकि मैंने यूनिट नहीं डाली, यूनिट किस में लेना चाहता, किस में लेना चाहता ना उसमें, तो हम एल्ट्रसी से यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर एल्ट्रसी यस करेंगे, जब आइटम बनाएंगे आईफोन तो यहाँ पर आएगा यूनिट, यूनिट में हम एल्ट्रसी क्रिएट करेंगे, एल्ट्रसी से क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम एनओआर का नेम डाल देंगे, NUMBERS। ठीक है, यहाँ पर भी NOS लेके नंबर्स में ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखो इसमें क्वांटिटी कितनी है, जैसे कि हमने 12 पीस ले रहे हैं, 12 नंबर्स ले रहे हैं, एक नंबर की प्राइस है डॉलर में ही होगी, क्योंकि तो बाहर से लेके आए तो डॉलर में आएगा भी, तो डॉलर में लगा देंगे डॉलर 500, 500 डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो कि $98। ठीक है, $98 हो गया, तो ये डॉलर हो गया हमारा। ठीक है, ये रेट अपनी की, अब देखो रेट क्या है कि हम परचेज करते समय कितनी रेट है, मान लो कि 60 रुपये प्रति डॉलर, तो 60 रुपये प्रति डॉलर हम लेके चल रहे हैं, और इसको अब GST लगेगा नहीं, क्योंकि हमने विदेश ही किया कि इंडिया में लगता है GST, बाहर तो ना लगता है, तो हम वो उसको नो रखेंगे GST को, और बाकी को हम इस प्रकार से एक्सेप्ट करवा देंगे। ये डिटेल आप भर सकते हो ये बिल की। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस में बिल नंबर, बिल नंबर में क्या आएगा, जैसे कि RTX 1110। ठीक है, इस प्रकार से कोई बिल नंबर ले लेंगे, ड्यू डेट ले लेंगे, कब पेमेंट करना वो लगाना चाहो लगा सकते हो, और इसको एक्सेप्ट करवा देना।
ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये अपनी एंट्री हो गई, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पर एंट्री हो गई, अपना डे बुक का फॉर्मेट आ गया, डे फॉर्म में एक एंट्री पास हो गई है। अब मान लो हमने इस स्टॉक को एक 5 तारीख को बेच दिया, या हमने इस 5 तारीख को इसको बेच दिया, तो हम बात भेज देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, भेज सेल्स की एंट्री करनी होगी, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी सेल्स की, क्या हम जिस प्रकार से करते हैं वो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। हम मान लो कि सेल्स करते हैं, हमारे पास अमाउंट आ गया, अब अमाउंट आ गया, हम मान लो कि जो भी अमेरिका कंपनी थी उसको पेमेंट करना, तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट ऑफिसर में जाएंगे, ठीक है, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे, कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, एडजस्ट अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस के पहले बार डिफरेंस लेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, तो इसका टोटल अमाउंट क्या है, $1176 है, तो $1176। अब मान लो कि अभी डॉलर की कीमत कितनी हो गई है, 60 की जगह कितनी होगी, 75 हो गई, 75 रुपये प्रति डॉलर हो गए, ठीक है। अब मान लो कैश में पेमेंट किया है, तो कैश माइनस दिखाया क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है, हमने कैश से स्टार्ट नहीं किया, कैश में पेमेंट किया है तो कैश में आ जाएगा। अब मान लो देखो आप यहाँ पर समझो कि हमने जब परचेज किया था तब डॉलर की कीमत कितनी थी, जब डॉलर की कीमत थी 60 और अब पेमेंट कर रहे हैं हम अगले मंथ में, तब डॉलर की कीमत था 75, यानी कि 60 से 75 यानी कि 15 रुपये एक्स्ट्रा हमें देने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ यहाँ से 15 रुपये देंगे, 75 रुपये देंगे तब वहाँ पे एक डॉलर जाके उनके पास अवेलेबल होगा, तो यहाँ से हमें 75 रुपये पर डॉलर देने पड़े थे, लेकिन पहले जब परचेजिंग की तब पेमेंट करते थे तो हमें $60 ही देने पड़ते, लेकिन अब हमें दे रहे हैं लेट दे रहे हैं, तो हमें कितना का घाटा हो गया, 15 रुपये का घाटा हो गया। लेकिन अब देखो उसके पास तो जितने डॉलर जाने उतने डॉलर जाएंगे, उनको कोई लॉस नहीं होगा, तो वो कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो डॉलर आए हैं वो उनकी कीमत वहाँ पर उतनी है, गिरावट तो अपनी करेंसी में आई है, अपनी करेंसी में गिरावट आई तो अपनी करेंसी में गिरावट आई तो हमें भी एडजस्टमेंट हमें ही करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, लॉस हो गया, तो उस लॉस को दिखाने के लिए पहले तो इसको पेमेंट कर देंगे, तो इसको तो हम पेमेंट कर देंगे, तो इसका तो जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0-0 कर देंगे, तो वो तो कर देंगे हम, तो इसको हमने एडजस्ट में लेके पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कोई आउटस्टैंडिंग बकाया है, तो अब देखो अपना जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में देखो कि आपने क्या किया, सेंट्री क्रेडिटर्स आपके नहीं है, आपने सब पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन आपने क्या किया, कैश इन हैंड माइनस में चल रहा है इतना, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या दिखा रहा है, एडजस्टमेंट से ये आपको ग्रॉस लॉस दिखा रहा है, गेन लॉस दिखा रहा है अपना 17,640, यानी कि हमने जो ये ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन में हमें कितना हुआ, 17,640 रुपये का नुकसान हो गया, तो 17,640 रुपये को हमें एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ से हमें पीछे जाना होगा, ठीक है, यहाँ से हमें अल्टर में जाना होगा, तो और पीछे जाना होगा, यहाँ पर अल्टर को सिलेक्ट करेंगे, अल्टर को सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, लेजर वाउचर में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाके हमें जनरल को पकड़ेंगे, जनरल वाउचर को पकड़ के जनरल वाउचर में चलेंगे, हम एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पर हमें नॉर्मली चलना है, यहाँ पर आकर हमें क्या करना है, फॉरेक्स गैन प्रॉफिट एंड गैन लॉस, लॉस हुआ तो लॉस की बनाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की बनाएंगे, फॉरेक्स गैन लॉस, ठीक है, यहाँ पर यूज फॉरेक्स गैन लॉस एडजस्टमेंट, तो इसको हम यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या लेना, एक लेजर की एडिट करनी है, फॉरेक्स लॉस, ठीक है, अंडर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, ये हो गया, अब ये क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हम इसके बाहर आ जाएंगे और इसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या जाना होगा, वाउचर में जाना होगा, वाउचर में जाकर हमें क्या प्रेस करना होगा, अब जनरल वाउचर प्रेस करना होगा, जनरल वाउचर प्रवेश करना होगा, जनरल वाउचर में लेके अपनी लेजर बनाई हुई थी फॉरेक्स गेन लॉस की, वो सिलेक्ट करनी होगी, ठीक
ठीक है, फॉरेस्ट ज्ञान की लॉज की सेलेक्ट करके हमें क्या करना होगा, अपना जो पार्टी थी जिससे हमने ट्रांजेक्शन किया उस पार्टी को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, उसका जो लॉस एडजस्टमेंट था उसको एडजस्टमेंट करना होगा, बाई डिफॉल्ट आपके पास बिल दिखा देगा और उसको एंडोब्लिस्ट करके हम एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखो अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, अब ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे तो अपना जो बैलेंस है वो एकदम सही आ जाएगा, लॉस के रूप में दिखा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लॉस के रूप में शो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंसी में जो हमें लॉस और प्रॉफिट होता है उसका हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपना जो अनएडजस्टमेंट है उसको हम सही कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये था अपना मल्टीपल करेंसी, इसका यूज किस प्रकार से होता है वो हमने देखा आज।